guys, welcome back. So in today's video, I will be showing you two ways suji pan pizza recipe. मैं आपको बताऊंगी सूजी से हम दो तरीके से पिज्ज़ा कैसे बना सकते हैं. इसमें हमें कोई मैदा यूज़ नहीं करना, माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना. ये पिज्ज़ा बहुत हेल्दी हैं और बहुत यमी है टेस्ट में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं दोनों पिज्ज़ाज़ के लिए. दोनों पिज्ज़ाज़ के लिए बेस इंग्रेडिएंट्स और पिज्ज़ा सॉस के इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है. पिज्ज़ा सॉस के लिए मैंने टोमेटो केचप और रेड चिली सॉस को इक्वल अमाउंट में कंबाइन किया है. चीज़ के लिए मैं ले रही हूँ दो चीज़ स्लाइसेस दोनों एक एक पिज्ज़ा के लिए और मोज़रेला चीज़. आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चीज़ स्लाइस की जगह प्रोसेस चीज़ यूज़ कर सकते हैं. बाकी दोनों पिज्ज़ाज के आप इन्ग्रीडियंट्स इन लिस्ट में चेक कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम बेस बना लेंगे, मतलब बेस के लिए बैटर बना लेंगे फ्रेंड्स. सो मैं एक बोल में लूँगी सबसे पहले सूजी, फिर उसमें डालूँगी कर्ड, फिर सॉल्ट डालूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट और हम इन तीनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसे इवनली मैंने मिक्स कर लिया है. देखिए अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए. 15 मिनट्स बाद आप इसे देखिए ये कितना ड्राई हो गया है और सारी जो है मॉइस्चर है वो सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है. अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे. हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना. ये बैटर बिल्कुल रेडी है और जस्ट पिज्ज़ा बेस बनाने से पहले आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है. इसे अच्छे से बेकिंग सोडा डालने के बाद मिक्स कर लीजिए. अब हम पैन पे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे और एक करछी से इसको अच्छे से ऐसे फैला लीजिए, सेंटर से एक सर्कल बना लीजिए और इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना. और अब इसमें साइड में हम ऑयल ड्रिजल कर देंगे. इसे अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसे हमें लो फ्लेम पे बनाना है. देखिए 3-4 मिनट बाद मैंने इसे देखा तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे होल्स हो गए हैं. इसका मतलब ये दूसरे साइड से कुक हो चुका है. आप एक बार हल्का सा इसे चेक कर लीजिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसे आप फ्लिप कर लीजिए. देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका. एक साइड से पेस्ट रेडी है, अब दूसरी साइड के लिए कुक होने के लिए आप इसे फिर से ऑयल ड्रिजल कर लीजिए. और अब हम इसे पिज्ज़ा सॉस लगा लेंगे. टोमेटो केचप और चिली सॉस को दोनों को इक्वल अमाउंट में कंबाइन करके मैंने ये पिज्ज़ा सॉस बनाई है. इसे मैंने अच्छे से लगा लिया है और अब एक चीज़ स्लाइस को मैंने ऐसे हाथ से बाइट्स कर ली हैं और इसके ऊपर इस तरीके से इसे लगा देंगे. आप चाहे तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम इस पे ऊपर से मोज़रेला चीज़ को अच्छे से ऐसे फैला लेंगे. वेजेस में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ अनियन क्यूब्स और रेड येलो और ग्रीन कैप्सिकम की क्यूब्स और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स. आप चाहे तो खाली ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें डालेंगे ओरिगैनो फ्लेक्स और बेजिल. बेजिल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लीजिए और अब हम इस पे ग्रेटेड चीज़ डालेंगे. ये मैं इस पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ. ये चीज़ पिज्ज़ा है सो इसमें बहुत सारा चीज़ लगेगा. इस पे मैंने अच्छे से चीज़ लगा लिया है. अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और ये सारा हमें प्रोसेस लो फ्लेम पे ही करना है. देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है, इसका मतलब पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है. हमारा फर्स्ट पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स. इसे अच्छे से स्लाइस कर लीजिए, कट कर लीजिए और इसे आप गरम गरम सर्व कीजिए. सो नेक्स्ट पिज़्ज़ा जो हम बनाएंगे अब आप देखिए वो है इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा. अब आप इसमें ये देखिए इसमें इंडियन स्टाइल क्या है. सो वैसे ही हम इस पिज़्ज़ा के लिए भी ऐसे बैटर को फैला के बेस बना लेंगे. सेम प्रोसेस है बिल्कुल बेस बनाने का. ऑयल को ड्रिजल कर लीजिए, इसे कवर कर दीजिए 3-4 मिनट के लिए. 3-4 मिनट बाद इसे चेक करिए, इसमें ये छोटे छोटे होल्स हो गए हैं और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो ये एक साइड से रेडी है. इसे फ्लिप कर देंगे, फिर से हम दूसरी साइड से कुक करने के लिए ऑयल ड्रिजल कर लेंगे और अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे.
चीज़ स्लाइस इस पे हम लगाएंगे। इस तरह से बाइट्स में मैंने इसे हाथ से तोड़ लिया था। आप चाहें तो फ्रेंड्स खाली मोज़रेला चीज़ यूज़ कीजिए। इस पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। अब मैं इसमें वेजेस में यूज़ कर रही हूँ अनियन, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, टमेटो को मैंने स्लाइस कर लिया है, और इसमें मैं सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसमें मैं सॉल्ट नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, इसमें हम सिर्फ मैगी का मैजिक मसाला डालेंगे। सारी वेजेस को मैंने इस पर अच्छे से ऐसे लगा लिया है, इसे मैंने रैंडमली लगाया है। और अब हम इस पर ऊपर से सारी वेजेस को लगाने के बाद हम इस पर ऊपर से मैगी का मैजिक मसाला डालेंगे। वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत टेस्टी होता है वो। इसे ऐसे ऊपर से अच्छे से लगा लीजिए। अगर आप इसे किड्स के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये मसाला आपने कम डालना है, क्योंकि ये हल्का सा स्पाइसी होता है। ऊपर से हम इस पर मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाला है मैंने इसमें, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ डाल सकते हैं। और इसे ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दीजिए। देखिए ये बिल्कुल रेडी है, चीज़ मेल्ट हो गया है। इसे गैस से उतार के हम इस पर ऊपर से आलू भुजिया डाल लेंगे। फ्रेंड्स वेजेस आप अपने चॉइस की भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस इंडियन स्टाइल पिज्ज़ा में आप चाहे तो चीज़ ना भी यूज़ कीजिए, ये तो भी बहुत टेस्टी लगेगा। और आलू भुजिया सब इंडियंस को बहुत पसंद है, और ये बहुत क्रंची टेस्ट देगा इसमें। सो फ्रेंड्स ये दोनों पिज्ज़ाज बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। किड्स को पिज़्ज़ा वैसे ही बहुत पसंद है, सो आप ये पिज़्ज़ा उन्हें खिलाइए, इन्हें लंच बॉक्स में दीजिए, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत हेल्दी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये यमी यमी पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ अच्छी लगी, देन प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।